नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश है 16 अप्रैल गुरुवार श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ व जयपुर की खास खबरें। श्रीगंगानगर में रविंदर पथ का पुनर्निर्माण आरंभ हो गया है। इस मार्ग को टूटे हुए कई माह हो चुके हैं। यह रोड पिछले काफ़ी माह से पुनर्निर्माण की मांग कर रहा है। इस मार्ग की हालत सुधारने के लिए दुकानदारों ने अनेक बार ज्ञापन भी दिया। अब लॉकडाउन के दौरान नगर परिषद ने यहाँ पेचवर्क का कार्य आरंभ करवाया है। श्रीगंगानगर जिले के पदमपुर थाना इलाके के गांव 23 बीबी में एक महिला और पुरुष के सामूहिक आत्महत्या करने के मामले में पुलिस ने मर्ग FIR दर्ज कर जांच आरंभ की है। रिश्तेदारी में युवक और युवती देवर भाभी बताए गए हैं। दोनों के बीच प्रेम प्रसंग की बात हो रही है, किंतु अभी पुलिस इस मामले में ज़्यादा जानकारी नहीं दे रही है। श्रीगंगानगर जिला अस्पताल के PMO डॉक्टर KS कामरा ने बताया कि जिला अस्पताल में 250 लोगों की जाँच के बाद उनके सैंपल जाँच के लिए गए थे। सभी सैंपल्स की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। उन्होंने बताया कि कल प्रातः 7 लोगों के सैंपल लिए गए थे, जिनकी रिपोर्ट कल रात को प्राप्त हो गई। सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। उन्होंने बताया कि आइसोलेशन वार्ड का विस्तार कर उसको 200 बेड का बना दिया गया है। श्रीगंगानगर में पुलिस प्रशासन ने लोगों से समझाइश का प्रयास आरम्भ कर दिया है कि अगर दुपहिया पर एक और चौपहिया वाहन पर 2 से ज़्यादा सवारी हुई तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। सरकार ने नई एडवाइजरी में नियमों को और कड़ा कर दिया है। इससे अनावश्यक सड़कों पर घूमने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो सकेगी। सूरतगढ़ में होमगार्ड के जवान पर हमला करने के मामले में पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। होमगार्ड के जवान रामकुमार का आरोप है कि बस स्टैंड के नज़दीक कुछ लोग एकत्र थे, उनको हटाने के लिए कहा तो हमला कर दिया। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। हनुमानगढ़ टाउन थाना क्षेत्र में जारी सुपर कर्फ्यू के बीच आमजन को भोजन व दवा आदि की कमी के कारण परेशानी नहीं हो, इसके लिए डोर टू डोर सप्लाई करने का प्रयास जारी है। वहीं जंक्शन मार्ग पर स्थित ROB में से लेकर भारत माता चौक तक कर्फ्यू को हटा दिया गया है। इस मार्ग पर एक तरफा कर्फ्यू था, जिसको हटाने का निर्णय लिया गया। श्रीगंगानगर के 16 ML गाँव में एक युवक ने जहर निगल लेने से उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मामले को 174 CRPC में दर्ज किया है। पुलिस का कहना है कि युवक ने जहर निगल लेने पर उसको अस्पताल लाया गया था। हालत गंभीर होने के कारण उसको बीकानेर रेफर कर दिया गया था, जहां उसकी मौत हो गई। हनुमानगढ़ जिले में कोरोना पॉजिटिव डिटेक्ट होने के बाद पुलिस प्रशासन भी काफ़ी सख्त नजर आ रहा है। अब अनावश्यक सड़क पर घूमने वाले लोगों के खिलाफ मुकदमे भी दर्ज किए जा रहे हैं। 2 दिन पहले 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया था। दोनों युवक हरियाणा के थे और अनावश्यक व बिना अनुमति हनुमानगढ़ जिले में प्रवेश कर गए थे। वहीं कल एक ही दिन में 20 से ज़्यादा लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। राजस्थान में जन सुरक्षा के लिए गठित किए गए राजस्थान पुलिस बल ने आज अपना स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर थाना स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए गए और पुलिस कर्मचारियों से इस संकट की घड़ी में पुलिस का मान सम्मान बढ़ाते हुए जन सेवा में जुटे रहने का संकल्प दिलाया गया। हनुमानगढ़ जिले में एक परिवार के मुखिया और उसकी पत्नी को बंधक बनाकर लूट लेने के मामले में पुलिस ने गिरफ्तार किए 7 डकैतों को आज अदालत में पेश कर उनका रिमांड हासिल किया है। इनके कब्जे से लूटी गई 24 लाख की राशि और 400 ग्राम सोने के जेवर बरामद करने हैं। थानाधिकारी ने बताया कि कृष्ण कुमार सोनी के घर पर सोमवार मंगलवार की रात को यह वारदात हुई थी। श्रीगंगानगर की नई धान मंडी में अब कृषि उत्पाद की खरीद फरोख्त पुनरारंभ हो गई है। नई मंडी यार्ड में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की पालना नहीं होने के कारण मंगलवार को व्यापारियों ने खरीद फरोख्त का बहिष्कार कर दिया था। व्यापारी नेता विपिन अग्रवाल ने बताया कि आज 18,000 क्विंटल जौ की खरीद की गई। भाव 1380 से 1425 रुपए के बीच में रहे। श्रीगंगानगर की नई धान मंडी परिसर में ही स्थित फल सब्जी मंडी में अब सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की पालना खुदरा व थोक सब्जी विक्रेता खुद ही कर रहे हैं। मास्क पहनकर आने वाले लोगों को ही सब्जी मंडी में आने की अनुमति है। हालांकि आम उपभोक्ता सब्जी मंडी में पहुंचकर सब्जी अथवा फल नहीं खरीद सकता। प्रदेश के चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने राजनीतिक बयानबाजी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कोरोना महामारी पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र हो राज्य भी मिलकर काम कर रहे हैं। रघु शर्मा ने कहा इस वक्त पॉलिटिकल बयानबाजी की गुंजाइश नहीं है। प्रतिपक्ष के उपनेता द्वारा सर्वे पर उठाए गए सवालों पर चिकित्सा मंत्री ने ये जवाब दिया है। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने कहा कि इस तरह का बयान देकर वे कोरोना वॉरियर्स का मनोबल तोड़ रहे हैं। साथ ही उन्होंने यह दावा भी किया कि अब तक 6 करोड़ लोगों से ज़्यादा सर्वे हो चुका है। वहीं चिकित्सा मंत्री ने उपनेता को जयपुर के रामगंज चलने का निमंत्रण भी दिया है।
ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए। Once again.